स्वागत एवं अभिनंदन है। टीटीसी बरेका में लीन एवं जेल स्कीम पर आयोजित यह सेमिनार मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में वेंडर्स के डेवलपमेंट हेतु लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटेटिव स्कीम तथा जेट स्कीम के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। निश्चित ही आप सभी वेंडर्स इससे लाभान्वित होंगे। अब इस सेमिनार के उद्घाटन भाषण हेतु मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरेका के महाप्रबंधक श्री अभय बात्रे सर को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मेरे बरेका के सभी विभाग अध्यक्ष और अधिकारी और कर्मचारीगण, एमएसएमई विभाग से आए हुए अधिकारी और कर्मचारी, QCI, NPC और बाकी सभी एक्सपर्ट्स, फैकल्टी, हमारे साथी सभी वेंडर्स और मैन्युफैक्चरर्स, जिनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, और भाइयों बहन, आप में से काफी सदस्य ये जानते होंगे, जब क्वालिटी की बात चलती है, प्रोडक्टिविटी की बात चलती है, तो जापान का नाम सबसे अग्रणी माना जाता है। ये मैं आज की स्थिति नहीं कह रहा हूं, ये आज से करीब 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं। हुआ ये था कि 60s और 70s में, जब काफी आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बाद में काफी डेवलपमेंट हुए, काफी इंडस्ट्री को तब्दील किया गया, तो ये इस तरह की जानकारी जो हमने पढ़ी है उसमें ये बात हुई कि जापान ने ये सोचा क्या कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। हमें पता है इंजीनियरिंग, हमें पता है क्या बनाना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, बड़ी फैक्ट्री हो, छोटी फैक्ट्री हो, स्टील की हो, कोई हथियार की हो या कोई ऑटोमोबाइल की हो, तो उस वक्त इस चीज पे चर्चा की गई। तो इसलिए उस वक्त कुछ छोटी छोटी चीजें शुरू हुई, 5S जो सबसे कॉमन है, आप सभी शायद जानते हैं, अमेरिका में भी है। उसके बाद और भी चीजें इस पे डेवलप हुई। उन्होंने एक चीज कही जिसमें शायद आपको जानकारी भी होगी, मुडा। मुडा उसका मतलब है वेस्ट। उन्होंने ये पाया कि किसी भी कारखाना हो या किसी भी एक प्रोडक्शन वाली जगह हो, यहां तक कि जब एनपीसी के सौजन्य से मैंने वहां विजिट भी किया था 2009 में, जब मैं जॉइंट कमिश्नर था एमएसएमई का, तो होटल्स और हॉस्पिटल्स में भी लीन मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट की गई। तो ये जो 60s और 70s की थी, टोयोटा ने सबसे पहले इसका नाम दिया लीन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा मुझे बताया गया। तो उसमें उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, और उसके लिए ऑफकोर्स काफी दशक लगे उनको, कि 6 तरह के मुड़ा होते हैं। मुड़ा मुड़ा मतलब वेस्ट। और जब मैंने सोचा कि शायद हमारे यहां भी ये होते हैं, सभी क्या होते हैं, सबसे पहला है आपका मैन पावर मतलब रिसोर्सेस, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या उसको वेस्ट करते हैं या उसको सेव करते हैं। दूसरा है आपका स्पेस, तीसरा है आपका मटेरियल मतलब कि क्या आप आपका मटेरियल का वेस्ट करते हैं, चौथा है आपका टाइम, पांचवा और छठा वो जो कहते हैं वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल और अपॉर्चुनिटी है। तो जब लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई एक, और इसके ऊपर भी, और तो क्वालिटी में लीन मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा एक लीवर उभर के आया, जिससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया गया। जैसे जैसे जापान में इस पे सक्सेस मिला, बाकी
कंट्रीज में इसको और आगे बढ़ाया गया। यूरोप ने थोड़ा सा इसको एक अलग डायमेंशन दिया, उन्होंने देखा होगा 9001 सबसे पहले आया, उसके बाद 14,000। तो इस तरह हर हर देश ने अपने हिसाब से इसको किया। और ये बहुत सिंपल चीज है कि क्या यदि हम कुछ प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, क्या हम किसी जगह को स्पेस कर रहे हैं, ठीक है हमारे पास एक बड़ा परिसर है, लेकिन छोटी कंपनियां हैं आपके पास, क्या आप स्पेस का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या आप टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या आप मटेरियल को पूरी तरह यूज कर रहे हैं या उसमें कुछ रिएक्शन जा रहा है, कुछ खराब जा रहा है, क्या आप अपनी मैन पावर को बराबर यूज कर रहे हैं क्या, या आपकी कॉस्ट को या आपकी अपॉर्चुनिटी को कहीं यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो आप ध्यान में रखेंगे और उसमें से कुछ जरूर आपके इम्प्रूवमेंट में मददगार होगी। तो ये देखा गया कि भारत में भी जब 2008-09 में पूरे विश्व में मंदी आई थी तो अपने यहां का एमएसएमई सेक्टर भी इससे प्रभावित था। तो उस वक्त फिर ये सोचा गया कि क्यों ना हमारी इंडस्ट्री जो कि एक बहुत हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमें अब हम अमृत काल में है तो हम आगे और बढ़ रहे हैं, तो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ग्रो कर रहे हो तो आपके पास बदलने की क्षमता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। इसी तरह एमएसएमई सेक्टर को यदि देखा जाए तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बड़े प्लांट्स में नहीं होती है। यदि कोई स्टील का प्लांट लगा दिया, सडनली उनसे कह दिया स्टील बंद कर दीजिए एल्यूमिनियम बनाइए, तो नहीं मुमकिन है। लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी यदि एमएसएमई को अपने प्रोडक्ट को थोड़ा डाइवर्ट करना है या इम्प्रोवाइज करना है या मॉडिफाई करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी एमएसएमई सेक्टर में होती है। तो उसके हिसाब से भी आप देखा जाए तो लीन मैन्युफैक्चरिंग भी एक कारगर उपाय है जिससे एमएसएमई को तुरंत फायदा मिलता है। उस वक्त जब ये स्कीम शुरू गई हमने करीब 100 क्लस्टर्स में शुरू किया गया। पहले हमें कहा गया कि पहले 100 क्लस्टर में करीब 1000 इंडस्ट्री पायलट था किया गया, उसके बाद उसको 200-500 और ज्यादा क्लस्टर्स में एक एक करके किया गया। उसमें क्यूसीआई एनपीसी सभी एक्सपर्ट्स ने इसमें काफी फायदा हुआ। उस वक्त ये पाया गया कि ये वाकई हमारे पूरे वेंडर्स के लिए होता है उसको उसमें एक, और जो आज का विषय है क्यों मेरे ख्याल में है कि उसमें जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज को हुआ है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं शायद आप जानते भी होंगे, चेन्नई में एक ट्रैक्टर का क्लस्टर है, वहां एक ट्रैक्टर के 2-3 OEM है, वो अपने वेंडर्स सब वेंडर्स को आइटम्स देते हैं और उनकी क्वालिटी की जांच। इसी तरह आपने सुना होगा गुड़गांव और मनेसर में ऑटोमोबाइल के क्लस्टर है, बजाज का क्लस्टर देवास किशनपुर में है। तो ये जब एंसिलरी इंडस्ट्रीज में इसको लागू किया गया उनको जबरदस्त फायदा हुआ, क्योंकि वहां पे कंपटीशन भी होता है, उन्हें क्वालिटी भी देनी होती है, आप अल्टीमेटली एक बड़ा प्रोडक्ट दे रहे हैं। इवन अब हम सुन रहे हैं कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भले वो छोटा हो या बड़ा हो या मीडियम साइज, वो भी आने जा रही है और शीघ्र हम उसको भी देखेंगे। तो वहां पर भी एक एंसिलरी इंडस्ट्रीज में आपको क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी की आपको जो बेंचमार्क है उसको अचीव करना पड़ेगा। ये सब ध्यान रखने के लिए एक हमें ये जो प्रैक्टिस है लीन मैन्युफैक्चरिंग इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, फैकल्टीज आपको बताएंगे, आपको एक्सपर्ट बताएंगे, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि वो कुछ सक्सेस स्टोरीज भी बताएंगे। उस वक्त हमारे पास काफी थे लेकिन ये 2011-12 से आज ऑलरेडी हम 10 साल से ऊपर आ चुके हैं, इसको और इवॉल्व किया गया था। तो मैं चाहता था कि ये जो बरेका परिसर है यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रिक लोको, और ये इलेक्ट्रिक लोको पूरे देश की ट्रेन को चलाते हैं और पूरे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे क्यों ना वो भी इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें, अपनी क्वालिटी को करें, क्योंकि हम एक एक करके नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे, नए नए प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करेंगे और हम चाहते हैं कि आप सबके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो कंपोनेंट्स हैं, वो कहीं लाइन में फेल ना हो, ट्रैक में फेल ना हो, आपकी क्वालिटी और उत्तम बनी रहे। आप यदि जैसा कहते हैं मुड़ा, यदि आप वेस्टेज को कम करेंगे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, मटेरियल सेव होगा, मैन पावर सेव होगी, तो ये सारा आपके लिए एक बहुत फायदेदायक चीज है। इसलिए मैंने सोचा था कि आपको इस सब में आमंत्रित करके इस विषय पे एक चर्चा हो, इससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। कुछ लोग पहले से जानते हैं,
वो अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, जो नहीं जानते खुल के अपनी बातें कहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो फैकल्टी है वो एक अच्छा आपको उदाहरण पेश करेगी, अच्छी जानकारी देगी। इसी के साथ जेड जो जीरो जो जेडीजी है इसके लिए भी एमएसएमई काफी वर्षों से इस पे काम कर रहा है, सर्टिफिकेशन भी देते हैं। ये भी एक इंडस्ट्री है जो हमारी इंडस्ट्री है, इसके लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय या एक तरह से एक स्ट्रेटेजी रही कि आप डिस्चार्ज जितना हो सके उसको कम करें। हमारे बरेका का कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई हम गंगा या कहीं और कोई डिस्चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में भी इस तरह की चीजें होती है तो वो सर्टिफिकेशन भी आप लेने की कोशिश करें। तो इस विषय पे भी कुछ चर्चा होगी, कुछ जानकारी आपको प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी ने इतना अपना समय दिया और मेरे साथीगण, मेरे विभागाध्यक्ष और पीसीएमई साहब और बाकी जितने स्कूल के अधिकारी, उन्होंने इस चीज को आयोजित किया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं एमएसएमई डिपार्टमेंट के अधिकारी और क्यूसीआई के अधिकारी को मैं देना चाहता हूं। आप सभी इससे लाभान्वित हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, अपनी क्वालिटी बढ़ाए, इसी शुभकामना के साथ इसका मैं उद्घाटन करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। परम आदरणीय श्री अभय वाकेश्वर महाप्रबंधक बीएलडब्ल्यू वाराणसी, सभा में उपस्थित बीएलडब्ल्यू के पीसी एवली, पीसी एमई और एसओडी और सभी सीनियर अधिकारी और उद्यमीगढ़ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स डॉक्टर रामानंद शुक्ला जी, सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर आराधना चोपड़ा जी, डायरेक्टर यूसीआई और इनके साथ आए हुए फरज खान जी, हमारे संस्थान के सभी अधिकारी, मैं इस प्रांगण में उपस्थित सभी सभागार में उपस्थित सभी उद्यमी भाई बहनों का सबका स्वागत एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से करना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं चूंकि धन्यवाद का प्रस्ताव तो बाद में ही होता है, लेकिन मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी मार्गदर्शन में और आपके प्रेरणा से ही ये कार्यक्रम आज इसमें आज हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हमारे बीएलडब्ल्यू के जितने सारे वेंडर्स हैं और तमाम सारे जो लोग यहाँ उद्यमीगढ़ उपस्थित हैं जिनके लिए कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। और इसपे खास करके मैं बताना चाहूंगा, आप सभी जानते वैसे तो कहने की बात नहीं है, सर के कहने का जितना मार्गदर्शन था उसके कहने का कुछ क्षमता नहीं है। कुछ तो काम है ना, अब इतना पैसा भी खर्च रही है, स्कीम्स भी लॉन्च कर रही है, तो किसके लिए? गवर्नमेंट ये सब कुछ आपके फायदे के लिए कर रही है। वो चाहती है कि आप प्रोडक्ट्स जो बनाए वो ग्लोबली माने जाए, वो आप ग्लोबली कम्पीट कर सके। आप जानते हैं कि इस बार एमएसएमई सेक्टर सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं, वो एक्सपोर्ट भी करता है, वो इंडिया में तो सप्लाई करता है बाहर कंट्रीज में, और जब वो इंडिया में भी इंफैक्ट उस एमएसएमई सेक्टर को कितनी सारी बाहर की कंट्री से भी कम्पीट करना पड़ता है। वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, या आप रीजनल सीमित नहीं, या यूपी में तो यूपी के ही एमएसएमई से कम्पीट करेंगे। आप जानते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको बाहर की कंट्री से कम्पीट करना है, जो दूसरे स्टेट की एमएसएमई से उससे भी कम्पीट करना है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट कितनी हजारों एमएसएमई बना रही है। और जो आपका क्लाइंट है वो क्लाइंट तो वही चाहेगा ना कि उसको एक अच्छी क्वालिटी मिले और कम दाम पे मिले। ये हमारी जनरल ह्यूमन मेंटेलिटी है कि हम क्वालिटी भी अच्छी चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि पैसा भी कम होना चाहिए। क्योंकि आपके लिए अगर एक क्लाइंट आता है और आप उसको मान लो हजार रुपए बोलते हो दाम, और कोई दूसरा क्लाइंट जो है चाहे वो फॉरेन की प्रोडक्ट आ रहा है वो उसको कम दाम पे देता है, अच्छी क्वालिटी देता है, वो आपको नहीं लेके दूसरों को देगा। तो ये तो हमारा तो इस चीज को मीट आउट करने के लिए, अपनी एमएसएमई को ऊपर बढ़ाने के लिए कि वो लोग भी ग्लोबली हो जाए, उनको कम्पीट कर सके, उनकी क्वालिटी अपने क्वालिटी पैरामीटर बढ़ जाए, उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर बने, तभी ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की। इस स्कीम से आप सबके लिए एक भला ही सोचा है। अब ये स्कीम आपको, आप अगर जैसे हमने ये स्कीम
ने कहा कि पहले स्कीम LMCS के नाम से चलती थी, अब ये नए नाम से, नई पैरामीटर से, या कह सकते हैं कि थोड़ी और आसान करके स्कीम गवर्नमेंट ने की आपके लिए। देखा कि जो केस स्टडीज थी, जैसे सर ने कहा कि कुछ केस स्टडीज हम बताएंगे, तो पिछली स्कीम के केस स्टडीज से हमने देखा कि आपकी जनरलाइज MSME स्पेस की कमी, आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा।